गुजरात की हवा में भी व्यापार है साहब जी, ये संवाद तो आपने सुना ही होगा फिल्म रईस में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको गुजरात के बारे में ऐसी जानकारी बताऊंगी जो कि हर भारतीय और हर गुजराती को जाननी चाहिए। नमस्कार, क्विक सपोर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुजरात के बारे में अद्भुत जानकारी, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट गुजरात। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर सांस्कृतिक परंपरा को आज भी बहुत माना जाता है। गुजरात भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। कच्छ, सौराष्ट्र, काठियावाड़ गुजरात के प्रादेशिक सांस्कृतिक अंग हैं। इनकी लोक संस्कृति का संबंध राजस्थान, सिंध और पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर शहर समग्र एशिया में सबसे हरियाला पाटनगर है। फोर्ब्स मैगजीन की यादी के अनुसार भारत के सबसे धनिक 5 व्यक्तियों में से 3 मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी और दिलीप सांघवी गुजरात के ही हैं। अलंग विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है जो कि भावनगर से मात्र 50 किलोमीटर की अंतर पर है। अलंग के दरिया किनारे पे करीबन 170 जितने प्लॉट्स हैं जो कि पूरे 40,000 कामदार को रोजी रोटी पूरी करते हैं। यहाँ पे विश्व के 50% जहाजों का समारकाम होता है। सूरत एक प्रख्यात शहर है जो हीरो के उद्योग के लिए जाना जाता है। गुजरात के सूरत में समग्र विश्व के 10 में से 8 हीरे पॉलिश होते हैं। हीरे के व्यापार के लिए सूरत मुख्य केंद्र है। 2000 फीट की ऊंचाई पे आया हुआ गुजरात का पालीताणा शहर विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ पे 900 से भी ज्यादा जैन मंदिर हैं। गुजरात का समुद्र तट 1600 किलोमीटर की लंबाई का है जो कि सभी भारत के राज्यों से ज्यादा है। सोलर कैनाल पावर प्रोजेक्ट सबसे पहले गुजरात में अमल में आया, जिसमें सोलर पैनल सुयोजित करके विद्युत उत्पन्न करने के हेतु से राज्य व्यापी 19,000 किलोमीटर लंबी नर्मदा नहर का इस्तेमाल किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी गुजरात के जामनगर शहर में स्थित है। ये रिफाइनरी रिलायंस कंपनी की है। यहाँ पर हर दिन 12 लाख बैरल तेल शुद्ध होता है। गुजरात भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर राज्य व्यापी 2200 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है। गुजरात के वडोदरा शहर में स्थित MS यूनिवर्सिटी यानी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय गुजरात का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। MS यूनिवर्सिटी को भारत की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी की यादी में हिंदुस्तान टाइम्स ने 6ठा और इंडिया टुडे ने 10वां स्थान दिया है। बालाशिनोर का जुरासिक पार्क विश्व का दूसरा नंबर का शहर है जहाँ पर डायनासोर के अवशेष और अंडे देखने को मिलते हैं। यहाँ से डायनासोर के 13 प्रजाति के अवशेष मिले हैं। अहमदाबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM विश्व की 24वें नंबर की और एशिया की फर्स्ट नंबर की मैनेजमेंट कॉलेज है। समग्र भारत की कृषि विकास की बात करें तो गुजरात 13% कृषि विकास के साथ प्रथम नंबर पर है, जिसका मुख्य कारण खेती करने की विविध पॉलिसी, सिंचाई पद्धति और कृषि विकास कार्यक्रम है। कपास समग्र भारत में वस्त्र बनाने का मुख्य स्रोत है। भारत के तीसरे भाग की खेती गुजरात में होती है। कच्छ में आया हुआ मुंद्रा बंदर भारत का सबसे बड़ा खानगी बंदर है, जिसका संचालन अदानी पोर्ट और सेज लिमिटेड जैसी कंपनी करती है। फरवरी 2015 के अहवाल के अनुसार उनकी वार्षिक कार्गो संचालन क्षमता 338 MMT की है। सरदार सरोवर बांध नवागाम स्थित नर्मदा नदी के तट पर आया हुआ गुजरात का सबसे लंबा बांध है। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट एक बड़ा हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसका उपयोग नर्मदा नदी पर सिंचाई और विद्युत उत्पन्न करने हेतु होता है। गुजरात स्थित कच्छ का रण चंद्र के प्रकाश में सफेद रण बन जाता है, जो समग्र विश्व में अद्भुत कुदरती रचना के लिए विश्व विख्यात है। सोमनाथ मंदिर बहुत ही प्रख्यात हिंदू यात्रा धाम है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ पर है और ये मंदिर अद्भुत स्थापत्य का मॉडल है। चिंकारा एक नाश होती जाने वाली प्राणी की जाति है। मात्र 7,000 चिंकारा हाल में अस्तित्व में है। 80% चिंकारा कच्छ के नारायण सरोवर अभ्यारण्य में रहते हैं। गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर इस सदी की स्थापत्य की अजायबी है।
जिसके भव्य स्मारक का बांधकाम 6000 टन गुलाबी पत्थर से 900 कुशल कारीगर के द्वारा किया गया है। कबीरवट नर्मदा नदी के मध्य में एक टापू पर स्थित प्रख्यात स्थल है, जो कि करीबन 3 किलोमीटर जितने विस्तार में फैला हुआ है। कबीरवट का नाम प्रख्यात संत कबीर के नाम से रखा हुआ है। सरस्वती नदी के किनारे पे पाटन स्थित रानी की वाव को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिला हुआ है। ये वाव बड़े प्रमाण में जल स्रोत का संग्रह करने की पद्धति की अद्भुत रचना है। बनासकांठा जिले में आया हुआ अंबाजी माता का मंदिर भारत के महत्वपूर्ण शक्ति पीठ में से एक है। आरासुर पर्वत के तट पर और घने जंगलों से घिरा ये मंदिर सांस्कृतिक वारसा और पौराणिक महत्व का प्रतीक है। काठियावाड़ की भूमि पर स्थित पवित्र गिरनार पर्वत की ऊंचाई 3,666 फीट है। ये पर्वत हिंदू और जैन धर्म के भक्तों का यात्रा धाम है। यहाँ पर ज्यादातर लोग गिरनार परिक्रमा त्योहार के दौरान आते हैं। ये परिक्रमा प्रवेश द्वार से शुरू होके गिरनार तलेटी भवनाथ पर पूरी होती 36 किलोमीटर लंबी परिक्रमा है। भावनगर के महुआ गांव में प्याज के 55 डिहाइड्रेशन प्लांट हैं। ये भारत का दूसरे नंबर का प्याज उत्पादन केंद्र है। यहाँ से प्याज की अन्य राज्यों में निकास होती है। अहमद शाह के शासन काल के दौरान सन 1424 में बनी जामा मस्जिद अहमदाबाद की भव्य जामा मस्जिद है। इसको हम जुम्मा मस्जिद के नाम से भी पहचानते हैं। पीले पत्थर से बना मस्जिद का संकुल 75 मीटर लंबा और 86 मीटर चौड़े आंगन के केंद्र में आया हुआ है। वडोदरा शहर में स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस गुजरात का गौरव है। विश्व के रजवाड़ी महलों में से एक लक्ष्मी विलास महल वडोदरा के महाराजा और उनके परिवार के सभ्य का निवास स्थान है। मोढेरा भारत के नोंदपात्र सूर्य मंदिर में से एक है। भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर सोलंकी राजवंश के शासक द्वारा 11वीं सदी में बना है। इस मंदिर की खास बात ये है कि सूर्योदय के प्रकाश की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में पड़ती है। अहमदाबाद स्थित सीदी सैयद की जाली पीले पत्थर पे की गई जाली काम के लिए प्रख्यात है। इस जाली में वृक्ष की डाल और पन्नों की बहुत ही सफाई पूर्वक कामगिरी की गई है। अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम गांधी आश्रम के नाम से भी पहचाना जाता है। इस आश्रम से गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम योजना बनाई थी। यहाँ पर अभी भी गांधी जी के चश्मे, जूते और किताब देखने को मिलेगी। गुजरात के सानंद स्थित आया हुआ नल सरोवर मध्य एशिया, यूरोप और साइबेरिया से आते स्थलांतर पक्षियों का प्रिय स्थल है। इस सरोवर में 250 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है। कच्छ स्थित हाजी पीर की दरगाह एक पवित्र स्थल है, जहां पर हर धर्म के लोग जातिवाद भूल के आते हैं। 1000 मीटर की ऊंचाई पे डांग जिले में आया हुआ सापुतारा गुजरात का एकमात्र गिरी मथक है। भेज वाला वातावरण, कुदरती धोध और हरियाली यहाँ की विशेषता है। अहमदाबाद स्थित इसरो 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित संस्था है। ये संस्था पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह में पहुँचने वाली पहली संस्था है। इसरो के पिछले 40 सालों का खर्च नासा के एक साल के बजट के बराबर है। बारडोली स्थित शुगर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री है। इसकी प्रतिदिन पिलाई क्षमता 10 अबज टन है। ये फैक्ट्री हजारों कर्मचारी और किसानों की रोजी रोटी का जरिया है। गुजरात के आनंद में आई हुई अमूल डेयरी सन 1946 में बनी थी, जिसका संचालन सरकारी संस्था करती है। अमूल डेयरी ने श्वेत क्रांति का सृजन करके भारत को विश्व में सबसे बड़े प्रमाण में दूध और उनके बनावट के उत्पादन के लिए बहुत खास स्थान दिलाया है। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।